तो आज 100 एपिसोड है और हम सब यहाँ आए हैं। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर, अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं। और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, हमने कितने एग्जांपल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। और ये एक, और आज जब मैं देख रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास एक ऐसे लीडर है जो जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जो बहुत रेयर होता है कि एक इंस्पिरेशन है वो हम सभी के लिए। और उसकी जीती जागती मिसाल थी जब आज के एपिसोड में हमने देखा कि कितने अलग अलग प्रांतों के लोगों की मदद हुई है, और मदद इस तरह से हुई है कि लोग उनसे जुड़े हैं मन की बात से, उनके कॉज में जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे तो आज उनका बिजनेस बढ़ गया, 200 लोग, अब 30 लोग थे, अब 200 लोग काम कर रहे हैं। जो हिमालयस को क्लीन करने की बात थी, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो किस तरह से उन सोशल वर्कर्स के साथ भी लोग जुड़े हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मन की बात की, कि लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की मदद हो रही इंडिविजुअली, कि कोई एक आदमी सोशल वर्क अगर कर रहा है तो उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है जिसमें वो चाहता है कि लोगों की आमदनी हो और लोग, ज़्यादा लोगों को काम मिले, तो वो हम देख रहे हैं कि उसमें प्रोग्रेस हो रही है। तो ये मैं चाहूँगा कि आज हमारा 100 एपिसोड है, एक बार हम सब फिर मिलें और मिलते रहें जब 200 एपिसोड हो, और इसी तरह से 1000 एपिसोड हो, और फिर और एक बड़ा कार्यक्रम करें और उस कार्यक्रम में वो सारे लोग आएँ जिनको मन की बात से फ़ायदा हुआ है। सीएम जब थे गुजरात के तो उस वक्त वो हर किसी से मिल पाते थे, बट ऑब्वियसली जब प्रधानमंत्री बन गए तो इतना ज़्यादा पूरे देश का भार उनके सर पे था और वक्त नहीं मिल पाता था कि वो लोगों से वन ऑन वन जुड़ सके, यू नो। और फिर मैंने सोचा कि उन्होंने कैसे ये सोचा होगा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू जुड़ूंगा, एक विजन कैसा आया होगा उनके दिमाग में कि मैं ये करता हूँ, और फिर ये इतना बड़ा होगा, इसका कॉन्फिडेंस होना या एक उस तरह का विजन होना कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा, और फिर वो करते करते इतना बड़ा हो जाएगा। हमने देखा है कि आज यूएन में भी, जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ यूएन में भी हुआ है टेलीकास्ट, ये रेडियो का जो हमारा कार्यक्रम था। सो वो विजन कमाल है, मतलब मैं वही सोच रहा था कि इनको वो थॉट आया कैसे होगा कि, और वही होता है जो पीपल्स मैन हम कहते हैं कि एक लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके लोग होते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी ये सोचना कि मैं सबसे कैसे जुड़ूं, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, और फिर ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए जुड़ना, ये अपने आप में एक आगे चल के ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कहानी बनेगी।